हर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सीखने की ऐसी ललक लगी है कि उसने कई उपकरण तैयार कर दिए हैं। अब उस शख्स को प्रोजेक्ट सर के नाम से पहचाना जा रहा है। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कॉयल को आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ओल्ड मॉडल बाइक की कॉयल है। आपने सुना होगा मैक्स 100 सुजुकी। सुजुकी की गाड़ी की मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं भी कुछ ज़माने पहले सुजुकी रखता था, तो मैं आपको बताऊं सुजुकी ही एक ऐसी बाइक है जो क्रीम और घी यानी दोनों एक साथ खाती थी। मेरा मतलब कहने का क्रीम से मतलब होता है पेट्रोल और टूटियाल, यानी कि दोनों कीमती चीज़ें थी उसके लिए। तो वो बाइक इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी, सोचो ज़रा कि टंकी में तो पेट्रोल और टूटी आल उसके कंटेनर में, तो जिस गाड़ी में रिंगों पर कंप्रेसर बनाने के लिए रूटीन से टूटी आल जा रहा हो तो वो गाड़ी पावरफुल ही तो होगी। सुजुकी की मानता थी, मैंने भी रख के देखी है, कि उसे आप पहाड़ पर चढ़ा दें तो भी पीछे नहीं हटेगी वो। तो ये उस गाड़ी की कॉइल है, ये लाइट कॉइल है। इसके ख़राब होने से गाड़ी में लाइट की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये कॉइल आपकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और होगी भी कैसे, ज़माना हो गया सुजुकी का, पार्ट्स भी मिलना उसके मुश्किल है। तो ये हमारे यहाँ रिवाइंड होने यानी दोबारा भरने के लिए आई है। तो मैं आपको याद दिला दूँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, यदि कभी भी फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसी समस्या हो इस कॉइल से संबंधित, कभी ऐसा चांस पड़ जाए आपको, तो आप इस कॉइल को रिवाइंड कर लें। इस कॉइल में यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है और स्टार्टिंग से लास्ट तक आखिरी तक इसमें आपका 260 टर्न लगाए जाते हैं। जी हाँ, याद करिए, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी क्लॉक बाई के दिशा के हिसाब से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा वाइंड करने के लिए। लास्ट में जो आपका सिरा निकलेगा वो आपका लास्ट में 230, अगर स्टैंपिंग में तार फुल आ रहा तो 250, यानी 230 इसकी लिमिट है। अगर करना चाहो आप तो 20 टर्न एक्स्ट्रा और कर दो, तो स्लो एक्सीलेटर में क्या होगा, आपकी हेडलाइट डाउन नहीं होगी, डरेगी नहीं। तो इसका जो तार निकला हुआ है ये पूरा जल चुका था, इसकी इंसुलेटिंग निकल चुकी थी, ये इसी कॉल में निकला हुआ। अब हम इसको आपको रिवाइंड करके दिखाएंगे, दोबारा भर के इस कॉल को दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें। यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपको हमारे चैनल के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। देखिए आप लोग, इस कॉइल को न तो किसी मशीन के सहारे आप भर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई इसमें मशीन पर लगाने का कोई इसमें ऐसा आपका कोई ढांचा नहीं है, मशीन पे लगने के लिए कोई ऐसी इसमें व्यवस्था नहीं है। तो इसको हाथ से ही हमें रिवाइंड करना पड़ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। लेयर एक दूसरे ऊपर नहीं चलना चाहिए, क्रीम से लेयर चलना चाहिए। एक लेयर होने के बाद में इसमें बिल्कुल पतला कागज़ लगाना पड़ेगा, तीसरी लेयर के बाद फिर कागज़ लगाना पड़ेगा। इस प्रकार इस कॉइल को हम रिवाइंड करेंगे। ये देखिए आप लोग, इस कॉइल की स्टार्टिंग, ये कैसे कॉइल रिवाइंड की जाती है, एंटी क्लॉक में ना भर के क्लॉक बाई में इसको भरा जाता है, बस टर्न ना चढ़ पाए, ये लेयर जो है चढ़ ना पाए। देखिए, देखते देखते इसको हम पूरी करेंगे। अभी कॉइल को पूरी कॉइल भर के तैयार हो गई है। अब इस कॉइल को हमें कवर करना है कागज के द्वारा। देखिए, सुजुकी समुराई 100R
स्विच की 100 RM में एक जैसी कॉइल लगती है। ये पूरी कॉइल भर के कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल नई की तरह ये काम करेगी आपकी। अब इसको कागज के द्वारा हम इसको कवर कर दें। बिल्कुल रेडी हो चुकी है कॉइल। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया जरूर करें। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्टर और आप सभी लोगों को अपने चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।